हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिंकी साहू आप सभी का हमारे चैनल इस बुक ट्यूबिंग प्रो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपसे किस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ उसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि थिंक बिग एंड थिंक आउट ऑफ अ बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। सो दोस्तों, ये जो कॉमन सी मोटिवेशनल एडवाइस है वो अक्सर हमने लोगों को एक दूसरे को देते हुए देखा है, लेकिन और हम उस पर बिलीव भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सच हो जाए, लेकिन क्या आपको वास्तव में ये पता होता है कि एडवाइस आपके लिए काम करेगी या नहीं? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर देती हूँ इस बुक के जरिए। सो दोस्तों, थिंक बिग का जो जादू है वो आपको हेल्प करेगा ये रियलाइज करने में कि आपके सक्सेस के रास्ते में आपकी सोच कितना मैटर करती है, आप जो हैं, आप जो बनना चाहते हैं उसको अचीव करने में ये कितनी बड़ी अपनी रोल प्ले करती है और आपको कितनी बड़ी हेल्प करती है आपके गोल्स को अचीव करने में और आपके डिजायर को, आपकी इच्छा को, उसको एक्चुअल थिंग में बदलने की। तो आप कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप भी बड़ा सक्सेस और बड़ी हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। सो दोस्तों, जब आप बिलीव करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप वो कर जाते हैं। बस हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे लोग सक्सेसफुल हैं तो हम नहीं हो सकते। नहीं, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, उनका एजुकेशन अच्छा होता है, बल्कि वो इसलिए सक्सेस होते हैं क्योंकि वो अपने काम को इनिशिएटिव लेते हैं, वो उस काम के लिए तुरंत एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनको खुद पर बिलीव होता है कि वो एक चीज़ कर सकते हैं और वो कर जाते हैं। और जो एक बार उन्होंने ठान लिया कि उनको ये चीज़ करना है तो अब उस चीज़ को कैसे करना है ये उनको ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाता है, उनको ये समझ आ जाता है कि अब उस काम को किस तरीके से करना है, क्योंकि वो सोच चुके होते हैं कि हमें ये अब करना है तो करना है एनी हाउ। सो बस अपने आप पर बिलीव करें कि आप ये कर सकते हैं तो आप कर जाएंगे। दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल, बहाना साइटिस को छोड़ें और इस ये जो बीमारी है वो आपकी असफलता का सबसे बड़ा रुकावट है। तो जिस इंसान को बहाने बनाने की बीमारी लग जाती है तो अक्सर वो अपनी लाइफ में एक ही एक्सपेक्ट को कंसीडर करते हैं और अपनी फेलियर के लिए उसको जिम्मेदार मानते हैं। और जब लोग पूछते हैं कि आपने सक्सेस क्यों अचीव नहीं किया या आपको प्रोग्रेस क्यों नहीं मिली, तो वो एक ही बहाना बनाते हैं। वो उनके पास एक बहाना क्या, कई सारे बहाने होते हैं कि मेरी उम्र छोटी है या फिर मेरी उम्र बड़ी हो गई है, मेरा ये सही टाइम नहीं है इस काम को करने का, या फिर मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज है, या फिर मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या फिर मेरी किस्मत खराब है। तो हम ऐसे बहुत सारे बहाने बनाते हैं अपने काम को लेकर के और हम वो काम नहीं करते। तो दोस्तों, सक्सेस के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। आप जब चाहें, जब जिस टाइम पे चाहें, जिस उम्र में चाहें, आप जो काम करना चाहें, आप हर चीज़ वो कर सकते हैं और एक दिन आप सफल जरूर हो जाएंगे, बशर्ते कि आपको एक बार एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको एक बार अपने अंदर वो इच्छा डेवलप करने की ज़रूरत है, आपको क्या करना है और आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। तो हमें बस ज़रूरत है आगे बढ़ करके अपनी इस फेलियर वाली मेंटेलिटी को ख़त्म करने की, चाहे वो आपके मन में या आपके शरीर में कहीं भी छुपी बैठी हो, बस उसको निकालिए और बाहर फेंक दीजिए। आप जब चाहें, जो चाहें, आप कर सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल, विश्वास जगाएं और डर भगाएं। कई लोगों के लिए तो डर सिर्फ एक माइंड का गेम होता है, लेकिन एक्चुअल में डर होता है और उसमें हम अपना कंट्रोल करें इससे पहले हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है। और जब हमें ये पता चल जाए कि हमारा एक्चुअल में डर क्या है, तो उसके लिए आप एक्शन लीजिए, क्योंकि आपका ये जो डर है ना, वो आपके बिलीव सिस्टम को कमज़ोर बनाता है। और जब आपका एक बार बिलीव कमज़ोर हो जाता है, तब आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। आपको ये डर होता है कि कहीं अगर मैंने ये चीज़ किया तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। आप पहले ही हार मान जाते हो कि शायद आपसे ये चीज़ नहीं होगी। तो अपने आप पर बिलीव कीजिए और अपनी बिलीव सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप पॉजिटिव थिंक को अपनाइए। आप पॉजिटिव थिंक के थ्रू अपने बिलीफ सिस्टम को बिल्डअप करके अपने फियर पर जीत हासिल कर सकते हैं, उसको अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। और जब आपको होप होता है और जब आप उसके लिए सही एक्शन लेते हैं, तब आप अपने डर पर कामयाब हो जाते हैं, आप अपने डर को जीत जाते हैं और आप सक्सेस हो जाते हैं। दैट्स द फैक्ट, दैट्स द रियल फैक्ट। आई ऑलवेज बिलीव एंड आई ऑलवेज एक्सपीरियंस ऑन दिस मैटर। सो बड़ा कैसे सोचें? अगर हम चीज़ों को इस प्रकार से देखें कि ये चीज़ हो सकती है, ना कि जैसे कि वो अभी है, तो हम एक बहुत बड़ा एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अपना विजन जो है तो स्ट्रेच करें और जो दिख रहा है उस पर अपना अपना विजन या अपना थॉट अटकाने के बजाय, बल्कि आप ये सोचें कि आप आगे और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हैं, आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। तो आप एक बेटर एंड बेहतर पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कीजिए और उसको इमेजिन कीजिए कि आपको क्या चीज़ें चाहिए आपकी लाइफ से।
तो खुद का जो आकलन है कभी भी कम में नहीं करना चाहिए, दूसरों से कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी हैं जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। तो अपनी योग्यता अपनी एबिलिटी को पहचानिए एंड उस पर काम कीजिए। आप जितना अपने आप को समझते हैं उससे आप कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। तो खुद को बस एक बार पहचानने की ज़रूरत है और उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। खुद पर बिलीव कीजिए और बस आगे बढ़िए। दुनिया की परवाह मत कीजिए कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। दुनिया का काम ही है सोचना और कहना, आपके टांग खींचना। क्योंकि आप जब भी सक्सेसफुल के रास्ते पर आप जब भी सक्सेस के रास्ते पर चलते हैं, जब भी अपने काम को इनिशिएटिव लेते हैं उस पर एक्शन लेते हैं, तो कई सारे लोग आपके पीछे होकर चलते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपका खुद का डिज़ायर एकदम से मजबूत होता है, आप डिटरमाइंड होते हैं किसी काम को लेकर के, तो आप वो कर जाते हैं, क्योंकि आपको बिलीव होता है कि आप वो कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ये बड़ी सोच के बड़े जादू का एक फर्स्ट पार्ट है। दूसरे पार्ट में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। दोस्तों जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते